ना कमावे उसका भी कोई बात है, कोई आदमी ना कमावे तो मरेगा मरेगा भाई। अपना मेहनत करो, मजदूरी करो भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करके खाएंगे। जिस आदमी की जो पोजीशन है उस पोजीशन में, मैंने 4 प्लॉट ले लिए मोदी जी की सरकार में, राहुल गांधी की सरकार में किराए पर रह रहा हूँ मैं। पुराने टाइम में जो पुरानी सरकार हुआ करती ना, वो लचर पचर सरकार हुआ करती, कोचिंग सेंटर आपने देखने नहीं मिले थे। ये सिस्टम ऐसा हो रहा है, पहले क्या हुआ करता भाई, रुपये भाई जुगाड़ कर लो 20 लाख रुपए का, एक किला बेच दो, एक बड़ी सभा रस्टो लो, जब नौकरी मिलेगी। ईब के है बर्मी करी छोरे ने, कोचिंग सेंटर में जाओगा, कॉलेज में पढ़ेगा, अपनी तैयारी पूरी करेगा, किताब पावा घर में। आजकल सिस्टम यूँ नहीं है कि भाई कर्ची पर्ची का सिस्टम है, किताब पावा लोग, बालक तैयारी करें 2-3 साल में, अपना बढ़िया तैयारी कर अपना सब नौकरी लागे। कोचिंग सेंटर में इतनी भीड़ क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों ने उम्मीद है, उम्मीद है तो नौकरी मिला है। बालकन गांधी तो कह रहे कि युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा 8 घंटे रील देख रहा है मोबाइल में। भाई राहुल गांधी तो ऐसा है सिस्टम, राहुल गांधी द्वारा खुद रोजगार नहीं है, राहुल गांधी तो खुद बेरोजगार है बेचारा, 20 साल हो लिए, कह पे तो लॉन्च हो लिया, आई बार हमें आई बार चुनाव मंजूर करता लाइव का लॉन्च करेंगे, उसका कुछ नहीं है मित्र। वो 55 साल का युवा है, 80 साल का हो जाएगा जब भी युवा रहेगा, उसमें ना दिमाग है। अगर मान लो गलती तो पहली बात तो हो नहीं सकता, अगर गलती तो बन भी गया ना प्रधानमंत्री भाई साहब, पूरी दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर, तो इस चीज़ पर हम ना बोल रहे हैं, हमारा देश सिस्टम नू ला ले, पूरी दुनिया में नू कति डंका बाजा खड़े होकर, आज ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, अमेरिका, फ्रांस, बीजिंग, कहीं भी चले जाओ, भारत के आदमी ने नू इज्जत की नज़र से देखा है, तो ऐसा सिस्टम है भाई, बदल दिया भाई। तो 400+ सीट आनी है बीजेपी के, तो गांधी तो क्या मोदी चाइना से डरते, तुम कह रहे बदल दिया यार, चाइना तो तुम्हें डरा कर दे, चाइना के तो, चाइना तो जमीन दे दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो पूरा तिब्बत इतना बड़ा देश है जो, यो हमारा नुकानू दे दिया, बोले हमने तो इस बंजर जमीन की जुड़ते को ना, इसे मारे यो हरियाणा मित्र आड़े तो एक डोल पर वाला हो जाए, अरे ने दे दिया पूरा का पूरा तिब्बत, आमना दे भाई मोदी है, यू कति आंख में आंख मिला के बात करेगा। और पहले मेरा क्या करता, पाकिस्तान वाले गोली मार दिया कर दे, बॉर्डर पर चला दिया कर दे, ईब तो हर बार ताला ने पूछना पड़ा करता, दिल्ली फोन करके चला दी थी, चला दी थी, इतनी आड़ में हमारे जवान सही तो क्या है वोट देने का मुद्दा भाई साहब, जवान, किसान, युवा, रोड, बेरोजगारी खत्म होगी, भारत का नाम चमका दिया, लोगों ने उम्मीद है, मेरे देश को विश्व गुरु बनाना है, और भारत माता का झंडा कदम ऊपर ऊपर ले रहा होगा, पूरी दुनिया में डंका बाजेगा। आईटी सेक्टर में इस टाइम हम नंबर 1 है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम नंबर 1 है, पूरी इंडिया, पूरी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाइना तो डरते हैं आपने, चाइना डरते हैं, पूरी दुनिया में चाइना का माहौल खराब कर रखा है, किसी ने करा, मोदी ने करा, सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, जीडीपी देख लो, शेयर मार्केट देख लो, इस टाइम पीएसयू स्टॉक्स की बात करूँ मैं क्या बोलते हैं फाइनेंस लाइन का बंदा हूँ भाई साहब, शेयर मार्केट का काम करता हूँ और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी हूँ। इस टाइम पीएसयू स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं लगातार, मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स आ रहे हैं, आईटी सेक्टर इस टाइम बूम पे है, तो हर सेक्टर इस टाइम बूम पे है, और वही इसी वजह से है क्योंकि पूरी दुनिया में भारत को FIIs फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि भारत में उनको उम्मीद दिखती है, भारत का विकास इतना जबरदस्त हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या नाम है जी? सत्येंद्र जी। क्या काम करते हैं? रेडी लगाते हैं जी। रेडी लगाते हैं, हाँ जी। तो कैसे रहे मोदी के 10 साल? मोदी के 10 साल अच्छे रहे जी। अच्छे रहे। क्या बढ़िया रहा? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है जी। कुछ बढ़िया होगा, क्या बढ़िया लगा? देश में खुशहाली आ रही, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। आपको क्या फायदा होगा मेरा? हमें तो कुछ फायदा, हमारा रोजगार चल रहा है। कह रहे महंगाई होगी, राहुल गांधी कह रहे सिलेंडर महंगा। सिलेंडर कहाँ महंगा, सिलेंडर फिर रोज मिल रहा है, जब राहुल गांधी के टाइम 1800 का मिला था। राहुल गांधी के समय 1800 का लाइन लग के 8 दिन नंबर आया था। अब घर में पैसे लगते 1000 रुपये, 800 रुपये, 2-5 मिनट में सिलेंडर घर। सरकार आएगी, आपका मोदी की सरकार आएगी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम काक्या है। तुम क्या काम करो? मेरा ये है, मैं फड़ी लगाता हूँ यहाँ, मजदूर आदमी है, रोड पे खा कमा रहा, बढ़िया खा कमा रहा, एक नंबर। मोदी जी जीतेंगे और 400 पार, अब की बार 400 पार है। मजदूर हो, मजदूरी हो रही है बढ़िया? आज ही बढ़िया हो रही है, एक नंबर की हो रही है। अच्छा पानी निकल रहा? बढ़िया निकल रहा, एक नंबर का। राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट दे रहे? वो नहीं दे रहा आदमी, पर डंका नहीं है वो। उनने 75 साल में बेरोजगारी हो रही है, 75 साल से उनने 75 साल सरकार ली, उन्होंने 75 सालों में कुछ नहीं करा। 10 साल ने भारत को मोदी जी ने चमका दिया 10 साल के अंदर। और बाकी हिंदुओं की सरकार है, मोदी सरकार है, बढ़िया काम करा मोदी जी ने, विकास कराया हिंदुओं के लिए, बहुत बढ़िया कराया। मुद्दा क्या है आपके लिए वोट देने का? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, हिंदुओं की सरकार है, बढ़िया सरकार है उसकी, मुसलमानों की सरकार है, हमारे हिंदू की सरकार है, बढ़िया सरकार मुसलमानों की सरकार है। हाँ जी, मुसलमानों की सरकार है। हाँ जी, गरीब आदमी सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है मोदी जी। गरीब आदमी जब नहीं कमाएगा तो परेशान ही है। मुझे कोई काम नहीं है, बेरोजगार, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, अपना फड़ी लगा रहा हूँ, रोड पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, जब नहीं कमाऊंगा तो बेरोजगारी है। कमाएगा आदमी तो जब ही तो कुछ पल्ले पड़ेगा। धर्मवीर, क्या करते हो? धर्मवीर जी, दाढ़ी मजदूरी। दाढ़ी मजदूरी निकल रही? सही। हाँ जी।
मोदी जी का जी है? मोदी जी का क्यों? मोदी जी बन तैयार है, हमें बड़े काम कर रहे हैं, रोड राड गली वगैरह सब बना रहे हैं। गरीब आदमी को क्या फायदा हुआ मोदी हैं? गरीब आदमी को चलने को रास्ता मिल रहा है और रोजगार सही है, काम चल रहा है बढ़िया। हाँ जी, तो पहले रास्ता नहीं था चलने को। कहाँ था पहले? सारे रोड टूटे पड़ते, गलियाँ टूटी पड़ी थी सारी। और बताओ क्या चाहिए? हाँ जी, राहुल गांधी कह रहे गरीब आदमी परेशान हो गया, महंगाई से मर गया। वो हम तो परेशान नहीं हो रहे जी, हम तो परेशान नहीं हो रहे। कोई आदमी ना कमावे उसका भी कोई बात है, कोई आदमी ना कमावे तो मरेगा मरेगा भाई। अपना मेहनत करो, मजदूरी करो भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करके खाएंगे। जिस आदमी की जो पोजीशन है उस पोजीशन में, मैंने 4 प्लॉट ले लिए मोदी जी की सरकार में, राहुल गांधी की सरकार में किराए पर रह रहा हूँ मैं बस। क्या नाम है चाचा? मैं तो ये भाई बोल रहा हूँ। अरे आप भी बोल दो, बोल दो कुछ। क्या नाम है? अजय। क्या नाम है आपका? अजय। अजय क्या काम करते हैं? बर्फ बेच रहे जी। हाँ, बर्फ बेच रहे हैं तो ठीक ठाक बिक रहा है? बर्फ बढ़िया बिक रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी आओगी? सारे कह रहे हैं बीजेपी आओगी, क्यों क्या वजह है बीजेपी आओगी? बस हम तो बीजेपी तो वोट देंगे और कोई दे ना दे। बीजेपी का बड़ा काम नहीं, क्यों बीजेपी को वोट देंगे, क्या वजह है? बंदा आज फ्री मिल रहा है मैंने, और कैसे ही है आज फ्री मिल रहा। और कह रहे सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल सिलेंडर दे कहीं तो पूरा तो करना है, और कहीं ना कहीं तो। अश्विनी, अश्विनी भाई क्या काम करते हैं? बर्फ का काम है मेरा। आपका बर्फ का काम है? हाँ जी। एक बार थोड़ा नीचे आ जाए कैमरा मैन को दिक्कत होगी। तो मारे लिए तो ठीक नहीं रहे भाई। ठीक नहीं रहे? हाँ। क्या दिक्कत? सारी दिक्कत आ रही, हमारा कोई सिस्टम नहीं बना, कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारा, किसी भी तरह का कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। यहाँ तक कि इन्होंने पुल भेज दिया जो जहाँ से हम काम कर रहे हैं, यहाँ का भी पैसे देने पड़ रहे, हमने किराया देना पड़ रहा। अच्छा। ना नौकरी मिली, फार्म दबा का भरे, वो कोई रोजगार खो रखा था, वो उसमें भी सिस्टम नहीं चला हमारा तो। अच्छा, नौकरी भी नहीं मिली? नौकरी भी नहीं मिली, 10-12 साल हो गए मैंने फार्म भरते भरते। कहाँ तक पढ़ाई करी? मैंने प्लस टू कर रखी है, प्लस टू कर रखी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है। तो प्लस टू से कौन सी नौकरी चाहिए थी आपको? कोई भी जो कुछ भी नौकरी, कुछ भी जॉब मिलती। मैंने बैंक, मैंने बैंक कलर का फार्म भरा, याद है कि अपने 10-12 साल तो पास क्यों नहीं हुए आप? बस पास हो जाता हूँ, अपने रिजल्ट आता नहीं है, पास पेपर तो देता हूँ मैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आप पास नहीं हो रहे होंगे? पास हो रहा हूँ। ऐसा मित्र, बैंक क्लर्क का तो जो भी एग्जाम हुआ है ना, विद इन 15-20 डेज उसका रिजल्ट आता है, बैंक पीओ का भी रिजल्ट आता है और बैंक क्लर्क का भी रिजल्ट आता है। हरियाणा सरकार की जो नौकरियाँ होती है पहले रिजल्ट नहीं आता, 10-12 सालों के बाद नौकरी उनका फॉर्म भर देना है। अगर ढंग से तैयारी करी होती तो इस सरकार में ऐसा कोई बालक ही नहीं है जो तैयारी कर रहा हो और ना लग रहा हो। पीएन की जो पीएन के लिए भी फार्म भरा, उसके लिए भी सिस्टम नहीं बना। कौन से डिपार्टमेंट में भरा भाई फार्म? नहीं बता दे एक बार। फार्म भरने से थोड़ा खाली नौकरी मिले। एक बात बताओ मुझे, इंटर में एक क्लास में 60-70 बच्चे हो, सारे के सारे की नौकरी थोड़ा मिले? तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 60-70 बच्चों को मिलनी चाहिए, जो मेहनत कर रहा उनको तो मिलनी चाहिए। तो जिसमें क्वालिटी होगी उस नौकरी मिलेगी? नहीं भाई, हमने तो पूरी अपनी पूरी क्वालिटी से अपना काम है भाई, का बर्फ का काम है। पहले एक सिस्टम आया करता। बर्फ का काम है, पहले 1500 रोज कमा के ले जाता भाई, मगर नौकरी नहीं मिली, नौकरी क्या करना? ये 6 महीने कमाता मेरा भाई, 6 महीने बैठ के खाता है, इतना तगड़ा काम है फिर भी नौकरी नहीं है। पहले बर्फ का काम होता, छोटी मोटी रेडी होती, पुलिस वाले आया करते, अब तक लेके जाया करते, हर चीज में मतलब ऐसा सिस्टम था, किसी पर 1000 रुपये लेने, किसी 500, रोज परेशान कराया करते। आज रेडी पटरी हो, रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये का एक छोटा अमाउंट देती है सरकार अपना काम चालू करने के लिए। वो भी नहीं मिला है भाई, वो आप नॉर्मल ढंग से फार्म। अंकल जी क्या नाम है? अरे आप भी आ जाओ। क्या केस है मुकेश जी? मुकेश जी क्या काम करते हैं? माइक्रो फाइनेंस में करता हूँ। तो मुकेश जी ये 10 साल कैसे रहे सरकार के? बढ़िया रहे, बहुत अच्छे। क्या बढ़िया लगा? सारे काम अच्छा हो रहा है, रोडें बन रही है, सरकार सारे काम कर रही है। युवा कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है, जो पढ़ता है उसको रोजगार मिलता है। तो क्या वजह है मोदी जी को वोट देने के पीछे? मोदी जी को वोट देने की वजह सारे सही काम हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म। कह रहे युवा परेशान, महंगाई, बेरोजगारी? नहीं, परेशान नहीं है युवा, जो पढ़ते लिखते हैं, अपने योग्य है ना, जो उनको सबको जो मिल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है जी? राजेश। राजेश भाई क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं? वही 10-12 हज़ार रुपये। एक आम आदमी को क्या चाहिए? टाइम पे लाइट, पानी, सड़क, इससे ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। और कोई भी विधायक बनेगा वो क्या देगा? यही चीज़ तो दे सकता है, और वही सबको मिल रहा है, और क्या चाहिए? कि महंगाई ज़्यादा हो गई, हम आए तो सस्ता करेंगे सब कुछ। अब एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में अगर एक आदमी 200 रुपये रोज पे काम करता था तो महंगाई कहाँ है?
महंगाई तो वहीं की वहीं है। आज मान लो एक आदमी को 400 रुपये 450 रुपये मिलता है तो महंगाई तो वहीं है, कैलकुलेशन कर लो। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीब आदमी गरीब होता चला गया, आप कह रहे रिक्शा में मजा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब कोई काम ही नहीं करेगा उसके लिए कोई घर बैठे थोड़ी ना देगी, कोई भी सरकार हो घर बैठे तो पहुँचाएगी नहीं, चाहे वो राशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो। रिक्शा कितने साल से चला रहे हैं? मेरे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, तो 5-6 साल में क्या बदलता देखा आपने यहाँ पानी में? हमें सबसे बढ़िया चीज़ एक लगती है, चाहे वो रोड हो चाहे पानी हो, एक आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन है जो चैन से सो सकता है, टाइम पे लाइट, टाइम पे पानी और टाइम पे कोई भी सुविधा है। अगर आज हम कहीं जाना चाहते हैं तो आज हमको 6 घंटे की जगह 4 घंटे में जा सकते हैं, पैसा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके पास टाइम की प्रॉब्लम है, सबको पैसे से नहीं है, सबके पास जाने के लिए प्रॉब्लम है कि अगर 4 घंटे की बजाय 2 घंटे में पहुंचना चाहे वो आदमी जा सकता है, पहले ये चीज़ नहीं था। बीजेपी क्यों? बीजेपी बस वैसे ही, बीजेपी मोदी की नीतियाँ पसंद है, मोदी की नीति। वजह क्या है वोट देने की? बस वैसे ही मोदी। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे तो बोलते हैं सारे। आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, करके खाना यार, करके खाना। फिर मुद्दा क्या है? क्योंकि देखो हर आदमी है वोट डालता है, कोई मंदिर के नाम से वोट डाल रहा है, कोई 370 के नाम से वोट डाल रहा है, कोई विकास के नाम से वोट डाल रहा है, आप किस लिए? विकास भी है नहीं है राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है ना?